सो गाइज, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, जो शायद से जनवरी 2020 में हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और कहाँ पे जाए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि वो हम डेस्टिनेशन प्रॉपर सर्च करके क्या आपको दिखाना है वो हम सोच सके। दूसरी बात यह है कि ये ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले टाइगर के एसेसरीज और जो मॉडिफिकेशन हम लोग ने किए, और चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Tejaspatne and you are watching Tejaspatne Vlog. And आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइक एसेसरीज के बारे में, कि मैंने क्या एसेसरीज मेरे बाइक में बिठाई है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि हम अभी आ गए हैं मेरे गांव में, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। सो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज की ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। पहला जो मैंने एसेसरीज लगाया हमारे ट्रैम्प टाइगर में वो ये है कि हेडलाइट प्रोटेक्टर। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, हैवी मटेरियल है, और देखा जाए तो उसका कॉस्ट मुझे अराउंड 1000 में पड़ा शमन ट्रैम शोरूम से, जो मुंबई में है। तो दूसरा जो हमने अपग्रेड किया है वो है एरो का एग्जॉस्ट, काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा पिकअप भी मिलेगा और पावर लिटरली फील होती है हाथों में, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है वो भी। और अभी देखा जाए तो एरो का एग्जॉस्ट बंद होने के कदार पे, बिकॉज ऑफ आरटीओ के जो रूल्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो एरो का एग्जॉस्ट मार्केट में 2020 में मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और एरो का एग्जॉस्ट इंडिया में डिसकंटिन्यू भी होने वाला है। सो इसके लिए मैंने अपग्रेड किया, सो उसका भी एक छोटा सा वीडियो वो भी आप देख लीजिए। तीसरा हमने अपग्रेड किया है वो है एसपी का मोबाइल होल्डर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, लाइक जस्ट लाइक मुंबई का निखिल पीपी वीलॉग और एमएसके को। थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन ये जो मोबाइल का होल्डर है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गिरने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, और उसके साथ आपको मोबाइल का कवर भी मिलेगा, और उसको कैसे लगाना है वो आप अभी वीडियो में देख ही लेंगे। और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, उतना ही एक्सपेंसिव है, उसका कॉस्ट अराउंड 6 to 7000 है, बट बेस्ट प्रोडक्ट है। जो चौथी चीज़ हमने मेरे बाइक में जो हमने एसेसरीज फिट, मतलब एसेसरीज नहीं बोल सकते, वो पेंट प्रोटेक्शन है, काफ़ी अच्छा है और थोड़ा यूनिक सी है। मेरा बाइक का कलर मैट ग्रीन है, और उसके लिए मैंने पीयूपी का कोटिंग किया है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट टेप की तरह रहता है, और उसके ऊपर सिरामिक कोटिंग की है, और वो मुझे अराउंड देखा जाए तो 10-12.5 विद सिरेमिक कोटिंग, काफ़ी अच्छा किया है। उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो में कभी तो बनाऊंगा, और वो मैंने कहाँ से किया है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वो है बाहर की एलईडी फॉग लाइट, काफी अच्छी है और बेहतर है, आप वीडियो में जरूर देख लीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आपको ये बाहर की लाइट कैसी लगी। और इंडिया में इसको बाहर के बदले कभी कभार बाजा भी बुलाते हैं, सो वो बाजा लाइट नहीं है, इट्स कॉल्ड बाहा नॉट बाजा, तो भैया बाजा मत बजाओ, इधर लाइट देखो। आप बता दीजिए आप क्या सोचते हैं ये ट्रैम टाइगर की एसेसरीज के बारे में, और एरो का एग्जॉस्ट आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल तेजस्पटने व्लॉग, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। I don't think there's more than we can do. How come you think that